नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश्वर प्रीतम उपाध्याय आज आपके सामने हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक पर एक वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, बढ़ते हुए तापमान एवं अत्यधिक गर्मी के कारण आजकल हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक के पेशेंट्स हमें बहुत से देखने को मिल रहे हैं। हॉस्पिटल्स में सन स्ट्रोक के पेशेंट्स की भीड़ लगी हुई है। दोस्तों, ये सब देखते हुए मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों के लिए सन स्ट्रोक से बचाव और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कुछ जानकारी दी जाए। सन स्ट्रोक वो सिचुएशन है जब हम लंबे समय तक उच्च तापमान, गर्मी या धूप में अत्यधिक देर तक रह लेते हैं या शारीरिक परिश्रम कर लेते हैं, जिसके कारण शरीर का तापमान सामान्य स्तर से उच्च स्तर की तरफ चला जाता है, तो हमें हीट स्ट्रोक की समस्या हो जाती है। हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक गर्मियों में होने वाली एक गंभीर बीमारी है। जब हम गर्मी में या धूप में अत्यधिक समय तक रह लेते हैं तो बॉडी में डिहाइड्रेशन शुरू हो जाता है, जिसके कारण बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता है और हमें हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक की समस्या हो जाती है। यदि इसका सही से इलाज नहीं किया जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक के सिम्टम: शरीर के तापमान का 40 डिग्री से अधिक हो जाना, फीवर, हेडेक, कंफ्यूजन, डिहाइड्रेशन, पसीने का ना आना, शरीर की त्वचा का गर्म एवं सूख जाना, वीकनेस, चक्कर आना, बेहोशी आदि सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स: अत्यधिक धूप में या गर्म क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों में हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक के होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वृद्ध लोगों में इसके होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो लोग पानी नहीं पीते हैं उनमें भी इसके होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हार्ट पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट या ओबेसिटी के पेशेंट्स में भी इसके होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अल्कोहल और नशीली दवाओं का प्रयोग करने वाले लोगों में भी हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक के होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक के प्रिवेंशन: कोशिश करें कि धूप में निकलने से बचें। यदि निकलना पड़ा तो पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें, सूती कपड़े पहनें और कैप जरूर लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें। इलेक्ट्रॉल और नारियल पानी बीच बीच में ज़रूर पीते रहें। हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक की होम्योपैथिक मेडिसिन: इसकी जो पहली दवा है उसका नाम है ग्लोनाइनम 200। ग्लोनाइनम 200 सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक की सबसे बढ़िया दवा है। इसमें सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक के कारण बहुत ही तेज सर दर्द देखने को मिलता है। सर दर्द दब दब करने वाला होता है, साथ ही सिर में भारीपन के साथ ऐसा लगता है कि मानो सिर फट जाएगा। अगर ये सिम्टम आपको देखने को सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक में मिल रहे हैं तो ग्लोनाइनम 200 की 2 बूंद दिन में 3 बार लेने से आपको इस समस्या में जड़ से निजात मिल जाता है। इसकी जो दूसरी सबसे बढ़िया दवा है उसका नाम है बेलाडोना 200। यदि सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक के साथ कंजेस्टिव टाइप ऑफ हेडेक देखने को मिल रहा है, साथ ही पेशेंट्स में चेहरे पर जलन महसूस हो रही हो, साथ ही पेशेंट्स में बेहोशी और कमजोरी अत्यधिक देखने को मिल रही है और उसकी स्किन सूखी, गर्म और लाल देखने को मिल रही है, तो बेलाडोना 200 की 2 बूंद दिन में 3 बार लेने से उसकी समस्या में जड़ से निजात मिल जाता है। इसकी जो तीसरी सबसे बढ़िया दवा है उसका नाम है जेलसीमियम 200। यदि सन स्ट्रोक के कारण पेशेंट में अत्यधिक सुस्ती, कमजोरी और चक्कर आए और आँख से धुंधला दिखाई दे और पेशेंट को लेटने में अच्छा लगे, तो जेलसीमियम 200 की 2 बूंद दिन में 3 बार लेने से उसकी सन स्ट्रोक और हीट स्ट्रोक के साथ साथ
ये सिम्टम भी जाते रहते हैं। कि जो चौथी सबसे बढ़िया दवा है उसका नाम है नेट्रम कार्ब 200। ये सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक के क्रॉनिक इफ़ेक्ट्स में बहुत अच्छा काम करती है। इसमें पेशेंट अपने को बहुत थका थका सा या बहुत कमज़ोरी फील करता है, ये उन लोगों में भी बहुत अच्छा कार्य करती है जिन लोगों में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ते ही सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक की समस्या हो जाती है। उन लोगों को नेट्रम कार्ब 200 की 2 बूंद दिन में 3 बार लेने से उनकी ये समस्या जड़ से जाती रहती है। कि जो पांचवी सबसे बढ़िया दवा है उसका नाम है नेट्रम म्यू 200। ये भी क्रॉनिक इफ़ेक्ट्स ऑफ सन स्ट्रोक्स में बहुत ही अच्छा कार्य करती है। इसमें पेशेंट में अत्यधिक तेज सिर दर्द और साथ में कमजोरी देखने को मिलती है और हर बदल गर्मी में पेशेंट्स को सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक की समस्या हो जाती है और पेशेंट अपने खाने में ऊपर से नमक डालकर खाता है, तो नेट्रम में 200 की 2 बूंद दिन में 3 बार लेने से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।